हमीरपुर में अभद्र टिप्पणी से आहत महिला ने एसपी को शिकायती पत्र दिया। बिवार थाना क्षेत्र के सायर गांव की रहने वाली पूजा शुक्ला ने कहा कि गांव के कमरिश दीक्षित और उसके बेटे ने पारिवारिक झगड़े को लेकर उनसे झूठी गवाही देने को मजबूर किया। झूठी गवाही देने से मना करने पर दोनों ने अभद्रता की, घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। महिला ने दोनों आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। गांव के मोहल्ले के कुमारेश दीक्षित और उसका लड़का हमको बार बार झूठी गवाही देने के लिए बोल रहे हैं। हमने गवाही देने से मना कर दिया तो जान से मारने की धमकी, हमारे घर में आके दरवाजे में बैठकर गाली गलौज करते हैं, किसी भी समय बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। और हम एक आड़त में काम करते थे, उस आड़त में इनका कुछ लेन देन जो भी हो, वो आड़त वाले की मृत्यु हो गई है। अभी बोल रहे हैं 1,00,000 रुपए की हमसे जबरदस्ती मांग हो रही है, 1,00,000 रुपए मांगा जा रहा है। न देने पर जान से मारने की धमकी। थाने गए थे 2-3 बार, इनको बुलाया तो ये एक बार गए, दोबारा गए नहीं। थाने में हमारी FIR भी नहीं दर्ज हुई।